हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हो? आज हम लोग एलडीआर कीटोन्स के लेक्चर नंबर 9 एरोमेटिक कीटोन्स का प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कीटोन कैसे बनता है और ये जिससे बनता है उस प्रोसेस को हम लोग उस रिएक्शन को फ्राइज रिएजमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग फ्राइज रिएजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, यदि समझ में आ जाए और अच्छे समझ में आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो, ये है अपने को फ्राइज रिएजमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या बनता है, देखो इससे जो बनता है वो है फिनोलिक ईस्टर से, किससे, फिनोलिक ईस्टर से क्या बनेगा, फिनोलिक ईस्टर से ये बनता है एरोमेटिक कीटोन। क्या बोल रहा हूं, फिनोलिक ईस्टर से क्या बनता है, एरोमेटिक कीटोन बनता है, ठीक है। अब इसको रिएक्शन को देखते हैं कि ये कैसे बनता है। चलो अब देखो ये होता क्या है कि जैसे हम ये कंपाउंड लेते हैं ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, इसे हम क्या कहते हैं, फिनोलिक ईस्टर कहते हैं, फिनोलिक ईस्टर। अब इस फिनोलिक ईस्टर को यदि अपने लोग 160 डिग्री सेल्सियस मींस हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये बनता है ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। इसका ये जो कंपाउंड है यह है इंट्रा मॉलिकुलर इंट्रामोलिकुलर फ्राइज रिएजमेंट और इसे ओ एस आई फिनॉल कहते हैं, ओ एस आई फिनॉल ग्रुप, क्योंकि एस आई ग्रुप है इसलिए ओ एस आई फिनॉल कहते हैं। आई थिंक नेम डिफरेंट है इसका, टू हाइड्रोक्सी एसिड ऑफ फिनॉल हो जाएगा। अब इस कंपाउंड को यदि हम लोग लो टेम्परेचर यानी 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा ओ एच और C डबल बॉन्ड O सी एस टी, इसका नाम क्या है, पी एस आई फिनॉल, ठीक है। और ये इंटर मॉलिकुलर फ्राइज रिएजमेंट रिएक्शन है। तो यदि ऑर्थो पे बनेगा तो इंट्रा मॉलिकुलर फ्राइज रिएजमेंट होगा, यदि पैरा पे बनेगा तो इंटर मॉलिकुलर फ्राइज रिएजमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या होगा। ये देखो हमने एक कंपाउंड लिया ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री और ये पोजीशन ब्लॉक है सी एस थ्री। तो देखो अब जब हम लोग करेंगे ए एल सी एल थ्री लेके हीट करेंगे तो यहां पे हम लोग ए एल सी एल थ्री लेंगे, ए एल सी कैटलिस्ट लेंगे ए एल सी एल थ्री, तब जाके होगा। तो जब AlCl3 लेंगे इससे क्या होगा, ये पोजीशन ब्लॉक है तो पैरा पे अटैचमेंट होगा, ये कंपाउंड हो जाएगा OH और यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3। और मान लो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि यहां से क्या होगा, चलो इस यहां ले लेते हैं हम लोग इस यहां पे, तो ये है O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और ये पोजीशन ब्लॉक है तो जब लेंगे इसको AlCl3 के साथ हीट करेंगे तो अब देखो क्या होगा, ये पोजीशन तो ब्लॉक है तो आपका जो प्रोडक्ट है यहां पे OH और C डबल बॉन्ड OCH3 अटैच है, ठीक है। अब देखो एक और चीज समझो, चलो ये कंपाउंड देखो, यदि ये कंपाउंड है और OC डबल बॉन्ड OCH3 है और ये पोजीशन ब्लॉक है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, AlCl3 और हीट करेंगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा यहां पे OH और यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां भी CH3। तो अब देख रहे हो, अच्छा इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं जो लास्ट में करेंगे कि कैसे क्वेश्चन तुम समझ सकते हो कि इसमें फ्राइज रिएजमेंट रिएक्शन होगा। तो उसका एक ही तरीका है, ये देखो कितना सिंपल है, ये फिनोलिक ईस्टर होगा, समझ आना कि वो फ्राइज रिएजमेंट का ही क्वेश्चन है। चलो अब मूव करते जरा हम लोग आगे इसके मैकेनिज्म पार्ट पे जाते हैं, समझते हैं कि वो आखिर ये होता कैसे, ठीक है। चलो देखो ये मैकेनिज्म
क्लैरिटी आ जाएगी कि ये होगा कैसे, किस तरह से इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखो ये जो कंपाउंड है, अब चलो इसका मैकेनिज्म से समझते हैं। ये जो कंपाउंड है यहां पे, ये देखो ये क्या है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है ना, और यहां पे क्या है लॉन्ग पेयर है। जब हम लोग लेंगे ए एल सी एल थ्री, ये क्या है लुईस एसिड है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसके पास लॉन्ग पेयर है, तो ये लॉन्ग पेयर ठीक है ए एल सी एल थ्री लॉन्ग पेयर ले लेगा, एज ए कॉर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो अब ये कंपाउंड बनाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा ओ ए एल सी एल थ्री, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, और सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। देखो तो एसिड है, तो ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रोफाइल लिख देते हैं। मैं इंटरमीडिएट लिख रहा हूं, क्या करते हैं एसाइल है तो एसाइलियम लिख दो, और कैटायन से तो कार्बो कैटायन लिख दो, तो क्या हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एसाइलियम कार्बो कैटायन। अब इस कंपाउंड, ये कंपाउंड यहां से इसके वाले जो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके ये कंपाउंड क्या बनेगा, यहां पे ओ ए एल सी एल थ्री, अब इसके पास लॉन्ग पेयर है, प्लस सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ के टाइम। अब देखो इसमें भी ये एसाइलियम कार्बो के टाइम से, ये एसाइलियम कार्बो के टाइम से, ये एसाइलियम कार्बो के टाइम से क्या होगा, ये फिर से इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है ना, तो सी ट्रिपल बॉन्ड ओ ये प्लस, ये एसाइलियम कार्बो के टाइम में रेजोनेंस हो सकता है। अब ये जो अटैच करेगा बेंजीन वाले ग्रुप पे, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सॉल्यूशन रिएक्शन के थ्रू अटैच करेगा। तो देखो अब क्या है कि जो सेकेंड है ये है कि यहां पे ओ ए एल सी एल थ्री है, अब आपका कंपाउंड सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ के टाइम्स है, तो अब क्या होगा, ये जो है ये लोग इलेक्ट्रोफाइल्स ठीक है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसे क्या करेगा यहां पे हाइड्रोजन है तो इसके एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, यहां पे एनायंस होंगे, जैसे यहां पे एनायंस होंगे यहां पे कैटायंस हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे टूटा है तो यहां पे कैटायंस होगा, तो कैटायंस होगा तो फिर क्या होगा बॉन्ड डार्क आ जाएगा, और इसका जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, देखो ओ ए एल सी एल थ्री ठीक है कैटायंस, और ये एच हो गया सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। अब ये एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गया, अब जैसे हम डी प्रोटोनेशन करेंगे, क्या करेंगे डी प्रोटोनेशन, तो देखो डी प्रोटोनेशन से क्या होगा कि एरोमेटिसिटी फिर से स्टोर हो जाएगी, यानी अब जो OH है इस पे अटैक करके ये बैक हो जाएगा, और एरोमेटिसिटी जैसे ही देगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पे क्या होगा एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो जाएगा, और ये बन जाएगा ओ ए एल सी एल थ्री ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, और प्लस हाइड्रोनियम है। तो मैं तुमसे पूछ दूं कि डीप्रोटोनेशन का क्या काम है यहां पे, तो एरोमेटिसिटी को रिस्टोर करना, क्योंकि सब चाहता है कि स्टेबल हो जाए। अब देखो जो हाइड्रोनियम आयन है उसका क्या काम है, ठीक है समझ में आ रही है। देखो अब नेक्स्ट है कि क्या वर्क है, क्या काम है किसका, हाइड्रोनियम आयन। देखो हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, अब समझो जो हाइड्रोनियम आयन है, अब यहां पर क्या कंपाउंड है आपके पास, ये ग्रुप है ओ ए एल सी एल थ्री। अब जो हाइड्रोनियम आयन्स है, जो जिसके पास H और OH2 होता है, ये इस पे अटैक कर देगा, और क्योंकि इसके पास लॉन्ग पेयर है ना, तो अब ये कंपाउंड जो है ये इस तरह से O H और AlCl3 फिर से कैटायन्स हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको अलग कर देगा, और यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3 तो है, तो यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां पे बन गया फिनॉल OH ग्रुप ठीक है, और यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3 अटैच हो गया, समझ में आ गया बात, प्लस H2 ठीक है OH2, तो ये H2 अलग हो गया। तो ये रहा फ्राइज रेजिमेंट का मैकेनिज्म ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके फोटोफ्राइज, अब देखो फोटोफ्राइज क्या होता है, अब देखो फोटोफ्राइज में क्या होगा, ये देखो जो फोटोफ्राइज है उसका लॉजिक क्या आता है, तो जो फोटोफ्राइज है, फोटोफ्राइज में देखो स्टूडेंट क्या होगा, फोटोफ्राइज जो होता है ना वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है, कोई कैटलिस्ट नो कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। थर्ड है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर
रिएक्शन होता है। फोर्थ है ये, इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो देखो थोड़ा सा समझ लो क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है इसमें ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है, और जैसे हमने यूवी लाइट लिया तो ये कंपाउंड इस तरह से बनेगा ओ अब फ्री रेडिकल। अब इस पर क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, और ये कंपाउंड इस तरह से डबल बॉन्ड ओ और यहां पे फ्री रेडिकल आ गया, और एक कंपाउंड ये रहा इस तरह से ओ और यहां पे फ्री रेडिकल आ गया। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो है इस तरह से बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और यहां पे ओ एच। लेकिन ये प्रोसेस किसके थ्रू हुआ, फ्री रेडिकल के थ्रू हुआ। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन से समझना है कि पहले तो आपको यह समझना है कि किसमें इसमें फ्राइज एलिमेंट रिएक्शन होगा, सेकेंड आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो ठीक है, अब ये देखो, अब मैं ये लिख रहा हूं, आपको बताना है कि इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखो ये क्या है कि एक रिएक्शन में दे रहा हूं कि एक कंपाउंड है और यहां पे NH सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और हमने ले लिया Cl CH2 C डबल बॉन्ड ओ Cl Al Cl3 के प्रेजेंस। दूसरा एक प्रोडक्ट ले लिया कंपाउंड कि जो ये है और यहां पे ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है, और क्या लिया Al Cl3। ठीक है, देखो इसका क्या बनेगा, ये तो ऑब्वियसली फ्राइज अरेंजमेंट ही हो गया, इसका तुम डायरेक्टली बना दो क्या, यहां पे OH और यहां पे आपका इसको थोड़ा सा यहां पे OH और यहां पे C डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री है ना। ठीक है, OH C डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, जहां से हटा है वहां पे OH लग जाएगा, और उसके अपोजिट और तो वाले पोजिशन पे सी ओ सी एस थ्री लग जाएगा। लो हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर करेंगे तो पैरा बन जाएगा। ठीक है, जस्ट हम लोग देख लिए। अब इसमें देखो क्या है, यहां से टूट सकता है, यहां से टूट सकता है। तो तुम जानते हो कि फ्रेडल क्राफ्ट जो होता है एसलेशन में फास्टर होगा अल्कलेशन से, तो इसलिए ये बॉन्ड टूटने की वजह ये बॉन्ड टूटेगा। इसमें तो कोई चर्चा नहीं हुआ क्योंकि इसमें प्योरली फ्रेडल क्राफ्ट अप्लाई हो रहा है। तो अब जो प्रोडक्ट होगा इसका क्या होगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे C डबल बॉन्ड O CH2 Cl। तो दोनों का प्रोडक्ट समझ आ गया, इसमें फ्राइज अरेंजमेंट हुआ और दोनों पोजीशन पे एसआई ग्रुप इंटैक्ट हो गया चेन के साथ। ठीक है, चलो आई होप तुम्हें फ्राइज अरेंजमेंट, फोटो फ्राइज और उसके क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यदि समझ में आ गया तो।